मैं पूनम मलिक आज पहुंचे हैं सलेमपुर गांव में, और आइए इनसे बात करते हैं वोट के विषय में। अपन रेशमा आपकी वोट देना चाह रहे हैं हाथी पे, हाथी पे क्यों? क्योंकि अब क्या हमें हाथी को ही बनाना है। बीजेपी से हमें बहुत नुकसान है। आपको सारे क्या क्या नुकसान हुआ है बीजेपी से? सारी चीज महंगाई, 1100 का सिलेंडर दे रहे हैं, दाल महंगी है, बच्चों की पढ़ाई महंगी है, क्या क्या कर पाएंगे, नौकरी नहीं है कुछ भी। बीजेपी ने वैकेंसी तो बहुत निकाली है। हमें तो पता नहीं, जब हमारा काम नहीं हुआ जी हमें उससे क्या पता। क्या पता आपने फॉर्म ही ना फिल किया हो। वैकेंसी तो नहीं निकाली पर किसी काम की नहीं है, क्योंकि वैकेंसी निकालते ही फॉर्म फ्लॉप कर दिया जाते हैं, इसलिए वैकेंसी कुछ लाभ नहीं होता। बच्चे ज्यादा से ज्यादा कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, वो लीकेज हो जाता है, फिर बच्चे के यही रह जाता है, सिर्फ पैसे कमाने का जरिया भी वैकेंसी निकालने का, और कोई वो नहीं है फायदा इससे। क्या नाम? गौत ग्रेवाल। बीजेपी ने गेहूं दे रही है, चावल दे रही है, सिलेंडर फ्री दे रही है, इतनी अच्छी सड़कें बनवाई है। हमें क्या सड़कें पर रहना, हमें तो घर में रहना, घर में घर ही फूटे पड़े, फायदा क्या सड़कों का? सड़कों पर कौन सा रहना, सड़कों पे तो चलना तो होता है ना, सड़कों पे चलना तो तब भी था जब खड़ोंचे लग रहे थे, तब भी चलना ही था। तो पूरा पूरा दिन सड़कों पे ही निकल जाता था, घर तक पहुंच ही नहीं पाते थे। तो अब कौन सा लिफ्ट लगवा देगी, आराम से घर से सीधे वहीं जाकर टिक जाएगा जहाँ जाना है। इतनी अच्छी सड़कें हैं, जहाँ कई के घंटे लगते थे वहाँ 5 मिनट लगती है। अब सड़कों से क्या लाभ, सड़कों से लाभ सिर्फ बड़े आदमियों को है, जो कार चला है, जो साइकिल चला है, इनसे तो कुछ लाभ नहीं है। तो फिर भी उसी टाइम जा रहे कि गरीब जनता है, गरीबी तो हटा रहे, गरीबों को ही हटा रहे एक साथ। हमें तो इससे सिर्फ ही इतना ही दिखाई दिया, और तो कुछ नहीं दिखाई दिया। गरीबों के कैसे हटा दिया उन्होंने? सारी चीज महंगी कर दी, खाना पीना सब कुछ महंगा है, कुछ भी ले लो चुना सा वो ही महंगा, तो फायदा क्या उसका? थोड़ा गाना तो कहना, गरीबी देखो या फिर उनकी प्रॉब्लम समझो। दूर दूर रह कर तो कोई भी कुछ भी कह दे कि नाज महंगा, नाज किस तरह का से महंगा, 20 रुपए या 2 किलो उस पर भी घटा देते हैं। तो मकान भी तो दिए है ना, ग्रामीण में भी और शहरी में भी, दोनों तरह के आवास दिए उन्होंने। 100 वैकेंसी निकाली, मकान आए 2, तो फायदा क्या उनकी भी समझो, जो गरीब जनता है जो सड़क पर पड़ी है उनका भी तो सोचना चाहिए। गरीबों को तो सबको आवास मुहैया कराए हैं उन्होंने, हमें तो कोई फायदा नहीं दिखाई दिया। पढ़ लिए, अपनी मेहनत से पढ़ना पड़ रहा, छोड़ लो या कुछ भी, अपनी मेहनत से पढ़ रहा बच्चे, नहीं कोई मतलब नहीं। महंगाई इतनी कर दी कि अब जा बच्चे पढ़ने में आवारत हो गए। क्या नाम? मेरा नाम रीना। रीना, रीना जी आप अपना वोट किसको देना चाह रहे हो? हम तो वोट अपने हाथी पे देंगे। हाथी आपका अपना है? हाँ जी, हमारा तो अपना ही है। क्यों, बीजेपी अपनी नहीं है? सभी अपनी होती है, जब कोई अपना काम करो तो अपनी होवे। तो आपको माया से क्या क्या उम्मीद रखते हो आप? हम सारी उम्मीद रखे हैं मायावती से। तो हम उन्होंने क्या क्या काम कराए हैं और अब आगे क्या क्या कराने का है? बस जो करवाओगे वो उसकी वो अपने आप देखेगी वहाँ, मतलब कि फिर भी तो आप तो, मतलब ऐसे ही वोट दे रहे हो उनको? हाँ जी, हमने हमने तो सिर्फ दो दफा हमने इसको भी दे दी। हाँ ने भी कुछ नहीं किया पहले, हाथी ने भी कुछ नहीं किया। हाँ पहले इसने भी कुछ नहीं किया था, तो अब की बार उम्मीद रखते हो आप? हाँ जी। और क्या क्या उम्मीद है आपको इनके? उम्मीद ये है कि जी सब चीज मंदी होनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई मंदी होनी चाहिए, साग सब्जी मंदी होनी चाहिए, राशन मंदा होना चाहिए। अरे ये मतलब मजदूरों की तो ये जो काम वाम पर जावे बेचारे, इनकी कुछ थोड़ी बहुत तनख्वाह सी बढ़ानी चाहिए। बीजेपी सरकार दे तो रही है, सबके खाते में भेज रही है। हाँ, खाते में फैसे मारते फते में वाले पैसे नहीं आए। विश्वकर्मा योजना है और श्रमिक योजना है, पैसे तो भेज रही है, पूरी तो नहीं हो पा रही इतनी, मतलब कि कैसे नहीं आ पा रहे आपके हमारे पास? ज्यादा पढ़ा देते हैं, करते एक का होता है भला, दूसरा ही देखा खड़ा होके कि हमारे भी आ गया, वो भी खड़ा बेचारा, वो उसने बनवा लिया अपना जो भी निकला, इतना आदमी नहीं रह रहे जितना आदमी कागज बन रहे, मरे मरे हो चाहे जिंदे हो, कागज कागज देखो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और स्मरण कार्ड, मतलब यही चीजें रहेगी दुनिया में, लड़का बच्चे फिर भी के वही रह गए, फायदा तो कुछ नहीं है। किसी भी वैकेंसी को निकालते समय वैकेंसी निकाल देगा, 600 रुपए का फॉर्म भरेगा, उसे भी लीक कर दे, बच्चों के 600 रुपए भी मर गए, फायदा क्या होगा उसका? वो भी लीक हो गया, फिर छुटगी वैकेंसी, फिर आएगी दोबारा, फिर पैसे कमाओगे, फिर छोड़ देंगे। ये ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे देश चला। बेरोजगारी ज्यादा मान रहे हो बीजेपी सरकार से? बिल्कुल है, हर चीज पे तो महंगा, हर चीज पे आग जला रखी बिल्कुल, मतलब कुछ भी खरीदना मुमकिन है ही नहीं।
तो माया की सरकार में आप उम्मीद रखते हो कि सब कुछ नौकरी पैसे सब कुछ सही हो जाएगा? उम्मीद तो सबसे रखे जा, पर उम्मीद तोड़ दे फायदा क्या, फिर विश्वास भी नहीं होता। और रही बात माया की, तो वो नॉर्मल काम तो कर ही देती है, ज्यादा नहीं, कुछ तो गरीबों के लिए थोड़ा घना सोच ही लेती है। इसीलिए आप सरकार बदलना चाह रहे हो? जी बिल्कुल, अब क्या माया की सरकार होनी चाहिए। मैं क्या हुआ? क्या नाम? रिया। रिया, आप क्या चाहते हो माया की सरकार से? ना, ना।